हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोकोनट क्रॉप के बारे में। तो इस क्रॉप के बारे में आज हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो दिस सेशन इज़ कंडक्टेड बाय मी, माय नेम इज़ आशीष लाड। आई क्लियर दिस IBPS एफ एग्जामिनेशन इन ईयर 2018। कोकोनट का बोटानिकल नेम है कोकोस न्यूसीफेरा और इसकी जो फैमिली है वो है अरेकेसी। देखो, जो एक कोको नाम है वो एक स्पैनिश वर्ड है जिसका मीनिंग है मंकी। कोकोनट क्रॉप से रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड में टोटल एम्प्लॉयमेंट मिला है तो वो है 10 मिलियन पीपल को कोकोनट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। कोकोनट ऑयल में एक कंटेंट रहता है, उसका नाम है मोनोल्यूरॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोनोल्यूरॉन नाम का कंटेंट रहता है, वो एक एंटी HIV प्रॉपर्टी रहती है उस कंटेंट में। जो डॉर वैरायटी होती है कोकोनट की वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, वेयर एज द टॉल वैरायटी इज क्रॉस पॉलिनेटेड। कोकोनट का यील्ड कितना होता है तो 80 to 100 नट्स पर पाम पर ईयर। जो एक पेड़ होता है कोकोनट का उनमें हर साल 80 to 100 नट्स हमको मिल सकते हैं, और जो फुल्ली मैच्योर नट होते हैं उनमें कॉयर का परसेंटेज होता है 30 to 40%। इंडिया की पोजिशन कोकोनट प्रोडक्शन में है वर्ल्ड में थर्ड। फर्स्ट है प्रोडक्शन इंडोनेशिया एंड द सेकेंड इज फिलीपाइंस। इन केस ऑफ इंडिया, केरला शेयर्स 45% ऑफ प्रोडक्शन, देन तमिलनाडु 22%, देन कर्नाटका 12%। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कोकोनट। प्रोडक्शन में भले ही हमारा थर्ड पॉइंट हो बट जो प्रोडक्टिविटी है उसमें हम फर्स्ट है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी है इंडिया की जो नट्स की वो है 7608 नट्स पर हेक्टर। इतनी प्रोडक्टिविटी है इंडिया की। जो फ्रूट टाइप है कोकोनट उसको कहते हैं सिंगल सीडेड ड्रूप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। जो ड्वार्फ पाम है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, वेयर एज टॉल पाम्स है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कोकोनट ट्री इज 27 degrees Celsius। इन इंडिया मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इज इन महाराष्ट्र। जो इंडिया की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है वो है महाराष्ट्र में, 20,621 नट्स पर हेक्टर। इन इंडिया 9 to 12 मंथ्स ओल्ड सीडलिंग्स आर जनरली ट्रांसप्लांटेड। जो कोकोनट के सीडलिंग होती है उनकी जो एज है वो 9 to 12 मंथ तक होने के बाद ही उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कोपरा दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम अ कोकोनट। फर्स्ट इज एडिबल एंड सेकंड इज फॉर मिलिंग। जो एडिबल कोपरा होता है उसमें दो प्रकार होते हैं, एक है बॉल कोपरा और दूसरा है कप कोपरा। इन केरला 60 to 65% ऑफ प्रोडक्ट टर्न्स इनटू मिलिंग कोपरा, क्योंकि केरला में कोकोनट ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है। सो 60 to 65% ऑफ इट्स प्रोडक्शन टर्न्स इनटू मिलिंग कोपरा। जो कोकोनट हस्क होता है वो मेजोकार्प होता है जिससे कॉयर बनाया जाता है, और जो कोकोनट हस्क है इसमें 70% कॉयर है और 30% फाइबर है। जो कोकोनट का एंडोकार्प होता है वो रिलेटिवली थोड़ा हार्ड होता है, तो इससे टॉयज़ बनाए जाते हैं और इससे तरह तरह के बटन्स भी बनाए जाते हैं। सो कोकोनट इज़ हेलियोट्रॉपिक प्लांट। हेलियोट्रॉपिक प्लांट का मीनिंग है द प्लांट विच लव सनशाइन। कोकोनट राइपन्स इन 12 to 13 मंथ्स। 12 से 13 मंथ्स में ये पक जाता है फ्रॉम ओपनिंग ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस ओपन होने के बाद 12 से 13 मंथ में ये पूरी तरह राइपन हो जाता है, तैयार हो जाता है। 55% ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन कंज्यूम एज अ रॉ। तो 55% कोकोनट है एज अ रॉ यानी डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है। कुछ वैरायटीज देख लेते हैं इसकी। लक्सडिव ऑर्डिनरी है विच सुटेबल फॉर मेकिंग बॉल कोपरा एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन, वेयर एज लक्सडिव माइक्रो वैरायटी है वो है बॉल कोपरा के लिए। कोकोनट वाटर है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं। पहला है उसमें वाटर रहता है 94.5%, विटामिन बी रहता है उसमें, विटामिन सी रहता है, उसके बाद शुगर्स रहते हैं और फाइबर्स रहते हैं, और उसका जो pH रहता है कोकोनट वाटर का वो है 4.8 to 5.3। 1932 में फर्स्ट हाइब्रिड बिटवीन ट्वाल एंड ड्वार्फ रिलीज किया गया था कोकोनट का। तो ये कुछ वैरायटीज़ है कोकोनट के। जो टॉल वैरायटीज़ है उसमें है वेस्ट कोस्ट टॉल, लक्षद्वीप ऑर्डिनरी, ईस्ट वेस्ट टॉल, अंडमान ऑर्डिनरी, सनरमन, प्रताप एंड लगुना। वेरा जो ड्वार्फ वैरायटी है उसमें है चौघाट ग्रीन ड्वार्फ, उसके बाद है चौघाट ऑरेंज ड्वार्फ, उसके बाद है गंगा बोधम, गुदांजलि, कोकोनिनो, मैंजी पॉड और न्यूलेका। जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ है उसमें है
चंद्रकल्प, उसके बाद है प्रताप, इट इज़ फ्रॉम बेनालिल टॉल, उसके बाद है चंद्रधारा फ्रॉम फिलीपींस ऑर्डिनरी, डबल सेंचुरी इज़ फ्रॉम फिलीपींस ऑर्डिनरी एंड केरा चंद्रा इज़ फ्रॉम फिलीपींस ऑर्डिनरी। सो ये सारी इम्प्रूव्ड वराइटीज़ है फ्रॉम दिस वराइटीज़। दिस वॉज अबाउट कोकोनट क्रॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।